क्या हुआ जी, ये मिल जाओ, क्या लाइसेंस है आपके पास? यार इसका तो लाइसेंस आपके पास लाइसेंस भी नहीं है, तो आप लाइसेंस के बगैर गाड़ी कैसे चला रहे हैं? नहीं पेमेंट लेने आए हैं तो उसकी बाइक चला रहे हैं ना आप, बाइक आपकी है तो आपने लाइसेंस के बगैर कैसे बाइक रखी हुई और चला रहे हैं आप? लाइसेंस मिलता वो भी आपसे अर्ज करो तो आप वो कहते हो वो हमारा और कसूर कौन सा है बड़ा बताओ? मैं वही अर्ज इनसे कर रहा हूँ, मैं माजरत कर रहा हूँ इनसे। देखो माजरत करने से कानून, तो देखो कानून में तो सजा है, सजा है और बड़ी वाजे सजा है। तुम जो बैठ के माजरत कर रहे हो, यही हेलमेट आप गिर गए, अगर आप गिर गए मुझे ये बताएं क्या आपकी ये माजरत काम आएगी अस्पताल में आपके घर वालों के लिए, जहां आप साथ हेलमेट तो आपने खरीदा हुआ है, पैसे भी खर्च लिए लेकिन फिर भी आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास नहीं है, 2,000 रुपये 1,500 रुपये लगता है, तो कल को जब आपके साथ मसला हो गया तो आपके घर वालों को जिम्मेदार कौन होगा? एक हेलमेट गालबन 550-750 का है जो अच्छी क्वालिटी का बेटा, वो 1100 आपने तो बल्कि लिया हुआ है, तो ये बेटा लिया इसलिए पहने, वैसे असूली तौर पर ये डबल जुर्माना बनता है असूली तौर पर, कैसे हेलमेट रखा है और तुम धड़ल्ले से वायलेशन कर रहे हो, बनता है वैसे ही। मतलब माजरत कर रहा हूँ उनसे, माजरत से नहीं मसला चलना, जो हेड इंजरी होगी वो क्लियर हो सकती है आपकी, हेलमेट है ना नहीं पहनो कोई वायलेशन है कि नहीं पहले तो ये बताओ, आइंदा से करोगे? नहीं, वादा कर रहे हो, मैं माजरत वादे करा रहा हूँ जमील साहब, ये एक और वादा होगा, ये कि मैं बताऊँ वादा मुहिम में चलान मुहिम खत्म हो गई, चलान मुहिम फिर आपके बाद शुरू कर लेंगे आज कसम। और हमारे शौकत साहब खड़े हैं यहाँ पर, शौकत साहब आप हेलमेट पहन कर आए हैं? लाजमी पहनता हूँ। लाइसेंस आपके पास हर चीज पूरी है? ये जरा बता दीजिए, सेफ्टी के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए होता है। अदर साहब इस तरह आप समझते हैं कि कोई थोड़ी बेहतरी आना शुरू हो जाएगी? देखिए मैं आज हमारा आज मकसद जो है ना, आपसे मैंने प्रोग्राम शुरू करने से पहले ये गुजारिश की थी कि आज हम इंटरेस्टेड ये नहीं है, आज हम अवेयरनेस पे निकले हैं लोगों को बराबर कराने के लिए, लोगों को पाबंद करने के लिए कानून से और वादे माजरत के साथ। मकसद ये नहीं है कि मैं कहूँ कि कानून तोड़ें, मकसद सिर्फ ये है कि बैठ के इस पे कंप्लायंस हो लोग। सब एक चीज अहम है, देखें लोगों के चलान भी हो रहे हैं लेकिन हम लोग ये कह रहे हैं कि हमारा चलान जरूर करें लेकिन हमारा वक्त जाया ना करें, यानी देखें चलान हुआ है उसकी फौरी तौर पर कंप्लायंस हो, चलान बाहर आ जाए, लोग यहाँ से चले जाएं, 200-300 रुपए का गलती पर चलान लोग करवा रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस को भी चाहिए कि लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, जिनके चलान हुए हैं वो एग्जीक्यूशन फौरी तौर पर हो जाए ताकि उनको लाइनों में ना लगना पड़े। 2-2 घंटे लोग बैंकों में लाइनों पर लगे रहते हैं सिर्फ एक दिहाड़ी जाया करके, तो ये चीज गलत है, इस पर CTO लाहौर को सोचना पड़ेगा, इस पर उनको इकदाम उठाने पड़ेंगे, ऐसा नहीं होगा कि अब लोगों के चलान करते जाएं लोग 2-2 घंटे बैंकों के बाहर जलील होते रहें, ये नहीं होना चाहिए। बड़ा रेलेवेंट सवाल उठाया है ऑनलाइन उधर, आप ये कुछ कहने जा रहे हैं इसकी सिर्फ एक मिनट, इसकी कंप्लायंस का देखिए एक काम तो शुरू करवा दिया है, आपको पता है कि ई चलान जो है ना वो बाकायदा बैंक में नहीं आने की जरूरत नहीं, लाइनों में लगने की जरूरत नहीं, इसके साथ लाइसेंस की टिकटिंग के वाले से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की अगर ब्यूरोक्रेसी के पास छोड़ा होता तो तबाही थी, ये क्रेडिट जाता है फिर जनाब जस्टिस कुरैशी साहब को, सबको एक छत के तले इकट्ठा किया। और ये भी सवाल हमने उठाया है ऑलरेडी, ये बड़ा रेलेवेंट सवाल है कि बैठ के आइंदा इसका भी कोई मिसाल के तौर पर कराची के अंदर क्या होता है कि वो उनके पास मशीन पर ये क्रेडिट कार्ड वाली कि वो पैसे उसी वक्त देते हैं, वो साथ रसीद उसी वक्त जारी हो जाती तो है। बैंकिंग में भी हमने देखा ना इस तरह का सिस्टम थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी आदत नहीं थी कंप्लायंस की आदत बढ़े। एक और जो सवाल उठाया हुआ है उन्होंने, ये उठाया हुआ है, आइए मेरे साथ साहब, अस्सलाम वालेकुम अदर साहब, क्या हाल है जी? जमील साहब ड्राइविंग लाइसेंस है जी? अपना ड्राइविंग लाइसेंस चेक करवा लें साहब, के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और नेक्स्ट आपको ड्राइविंग लाइसेंस जब तक नहीं होगा आप रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवा सकते। सबसे बड़ा फैसला, बहुत बड़ा ये फैसला है और इससे बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है जी, इंशाल्लाह आज से बल्कि अभी से हर किसी ड्राइवर से रोक के हम ड्राइविंग लाइसेंस पूछेंगे भी और चेक भी करेंगे, और हाईकोर्ट का फैसला और जो अफसराने के हुक्म है उस पर अमल दरामद करवाएंगे। इनके पास लाइसेंस मौजूद है जी, इनको सर बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। लेकिन अच्छा मुझे ये बता, मैं मेरे पास बाइक है, मेरे पास आपको क्या कहना है सर? मैं ये कहना चाहता था कि अभी तो नहीं फिलहाल, लेकिन आने वाले दिनों में एक इशू फिर उठने वाला है। क्या वो इशू? ये है कि ये जो हेलमेट लोग पहनते हैं इसकी साइडों से नजर नहीं आता, ना लेफ्ट से ना राइट से, उसकी मैं वही कहने लगा हूँ, उसकी वजह से एक्सीडेंट 30% हो रहे हैं।
और मिरर बहुत मस्ट है, मिरर बहुत लाल है, वो मिरर का ऑर्डर हो चुका हुआ है वो जी जी हाँ जी। तमाम मोटरसाइकिलों पर दोनों साइडों के मिरर, और आवाम से ये भी गुजारिश है से कैसे बचाएंगे, वो तो चोरी हो जाते हैं, जिससे हेलमेट चोरी हो रहे हैं मिरर भी लोग उतार के ले जाते हैं, सेल्फी डाल के बंद करें, ये इसका क्या, इसका क्या इशू होगा, सेल्फी डाल के बंद करें, लोग चर्ची कंपलसरी करें उसके लिए, लॉक भी कंपलसरी कर दें, गाड़ी लाते दियो ना पहले लोगों को, फिर मस्ट होना चाहिए कि आप मिरर लगाएं, और मिरर से आपकी बहुत ज्यादा सेफ्टी हो सकती है, लगा रहे हैं। ये सूरत हाल है जी आपके सामने, और इसमें लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि वो थोड़े आदी हों, लेकिन अभी तक दिल से किसी तरफ से कोई काविश नज़र नहीं आई। सबसे बढ़कर पुलिस को चाहिए, ट्रैफिक पुलिस को चाहिए कि आप बैक मिरर जो हैं उस पर चलान करना शुरू कर दें, और बड़े पैमाने पर जब चलान होंगे लाहौर में तो आपको नज़र आएगा कि हर बाइक के साथ आपको बैक मिरर नज़र आएंगे, अभी वो नहीं है, बहुत कम है, लाइसेंस लोगों के पास नहीं है, ख़ास तौर पर जो बाइकर्स हैं उनके पास लाइसेंस सिरे से नहीं है, बहुत कम तादाद में उनके पास लाइसेंस है। अच्छा ये अभी आप जो बैक मिरर का सवाल उठा रहे हैं ना, अभी एक नई पटिशन दायर होके आज हम उस तरफ भी जा, हाई कोर्ट हमारी उस तरफ भी आ गई है, अब जब मोटरसाइकिल बेच रहे हैं ना तो हेलमेट साथ बेचना है आप लोग, हेलमेट साथ गिफ्ट दें, बल्कि हम तो करेंगे उसके साथ हेलमेट अदालत से, अरबों रुपया ये कंपनीज कमाती हैं मोटरसाइकिलों वाली, तो ये एक 500-400 रुपए का हेलमेट साथ नहीं दे, और उसमें उन कंपनी का ही फायदा कि उनकी पब्लिसिटी होगी, लोग उनके हेलमेट पहन के फिरेंगे, ऊपर उनका लगा होगा 23 तारीख के लिए बुला लिया है, दूसरा यकीनन आप लोगों का क्रेडिट जाता है, सारे दोस्त वहाँ खड़े होते हैं, अब जब हेलमेट पहनते हैं दूसरा इशू आ रहा है बैक मिरर का, कि यानी अब हो क्या रहा है, एक दौर था कि शीशे साथ, अब भी शीशे लग के आते, लेकिन हम अक्सर देख रहे हैं कि वो शीशे भी बैक मिरर उतार लिए हुए हैं, अगली कैंपेन बैक मिरर के हवाले से है, मैं आपसे एक और गुजारिश करूँगा, किसी दिन आपने प्रोग्राम इस कॉन्टेक्स्ट में भी रखना है कि मोटरसाइकिलों के लिए लो एरिया जो है ना, कम से कम हमने ये भी बात की है कि लो एरिया में चलें ताकि एक्सीडेंट भी, ट्रैफिक पे बर्डन भी कम हो, और ये इमरजेंसी में खुदा ना खासा मेरे कैमरामैन वो देखें आपको मोस्ट अपर लेन में जहां वार्डन खड़े हैं चालान कर रहे हैं उसका, आपको वो बाइक्स नजर आएंगे, ये सरकारी गाड़ी वो बड़े पैमाने पे आपको बाइक्स नजर आएंगे, और बाइक्स का उस लेन में कोई काम नहीं है, बाइक्स को थर्ड लेन में होना चाहिए, आपको बाइक्स थर्ड लेन में नजर नहीं आएंगे, अभी ये इशारा खुलेगा अभी तो कैमरामैन अगर इधर ही फोकस रखें तो आपको नजर आ जाएगा कि कितने बाइकर्स जो हैं वो आपको थर्ड लेन में नजर आएंगे, बहुत कम बाइकर्स आपको थर्ड लेन में नजर आएंगे, मोस्टली वो स्पीड लेन में, स्पीडी लेन जो है जिसमें गाड़ियां चलती हैं उसमें नजर आएंगे, मिडिल लेन में नजर आएंगे, वो देखें जी बाइकर्स की कितनी बड़ी तादाद जो है वो अपर लेन में है जो स्पीड वाली लेन कहलाती है। देखें ना एक और आप देखें, ये हमारे बाइकर जो है ना, एक और ये सबके लिए है, ये बाइकर अगर देखें ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है पैदल जाने के लिए, ये समझे सारे, आगे अब कंप्लायंस होगी इशारों को भी, सिग्नल्स की भी, यानी हमारे यहाँ सिग्नल्स की भी अवेयरनेस खत्म हो चुकी है, मोटरसाइकिलें आपको सारी नजर आ रही हैं जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे खड़ी है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे वो दिखाएं जी जरा सड़क पार बाइक्स दिखाएं, ये भी वो सारी बाइक्स जो है वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे खड़ी हैं, जो पैदल चलने वालों का रास्ता है, जब इशारा बंद होता है तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग का इशारा खुल जाता है जिससे लोग पैदल सड़क क्रॉस कर सकते हैं, ये हम सबको सोचना है, ये सिर्फ देखिए अदालत कर रही है, हाई कोर्ट कर रही है, हम सब लोग कर रहे हैं, लेकिन आवाम ट्रैफिक चल पड़ी है जी, वो आप दिखाइए जरा, गुजारिश है आवाम से, गुजारिश है कि खुदारा कानून पे अमल दरामद करें, सब ठीक हो जाएगा, इससे बेहतरी है, आसानी है, आसाइशें हैं, और ये सब में एक दूसरे से हाथ से हाथ मिलाकर चले आप, इंशाल्लाह बहुत आसानी होगी, एक्सीडेंट कम हुए हैं, लो एरिया में जाएंगे ट्रैफिक पर बर्डन कम होगा, एम्बुलेंसेज को रास्ता मिलेगा, यानी कल जब हम कंप्लायंस पे आ जाएंगे तो एम्बुलेंसेज को फिर ये बहाना नहीं रह जाएगा वीआईपी ट्रैफिक के लिए सड़कें ब्लॉक कर दी हैं, बहुत बेहतरी की तरफ चीजें जाएंगी इंशाल्लाह। इस पे भी थोड़ा काम करें कि निसाब में शामिल किया जाए ट्रैफिक आगाही जो है, निसाब में शामिल हो, बच्चों को छोटे से पता हो कि उन्होंने क्या करना है, ट्रैफिक कवानीन क्या है, कौन से इशारे हैं जिसपे हमने पाबंदी करनी है, कहीं नहीं पता ज़ेब्रा क्रॉसिंग है क्या, लोगों को पता ही नहीं है कि किस तरह जाने, ये इसको निसाब में शामिल करवाएं सीसी साहब, ये आपका एहसान होगा कौम के ऊपर, देता हूँ बहुत जबरदस्त। आज हमने एक और काम किया था, आजकल आपको पता है इंटरनेट के ऊपर मॉडर्न चीजें आ चुकी हैं, हमने कोई एप्लीकेशन भी कही है, मिसाल के तौर पर एक और बात चल रही है कि यहाँ खुदा ना खासा हादसा अगर कोई हो जाए तो मोबाइल अवेलेबल ना हो या कोई चीज़ अवेलेबल ना हो तो यहाँ बॉक्सेस हो, वो बॉक्सेस के लुक क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम, ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास जी? नहीं, हेलमेट भी नहीं आपने पहना हुआ, क्या उम्र है बेटा आपकी? मेरी सर 19। लाइसेंस बन गया, आईडी कार्ड बन गया जी? बिल्कुल। आईडी कार्ड दिखाएं। ये चलान हुआ है, ये डेढ़ माह पहले आपका चलान हो, अभी तक ये बैंक ने पे भी नहीं किया। सर मैं स्टूडेंट हूँ।
तो वालिद साहब मेरे भाई रहे। नहीं तो भाई स्टूडेंट कानून तो सबके लिए बराबर है। बराबर है सर। तुम्हारा चालान कब हुआ था, सच बोलना जरा। 1.5 महीना पहले बेटा। 1.5 महीना हो गया बेटा, क्या बुरा नहीं लगता यार? यानी 1.5 महीना हो गया तुम अभी तक वायलेशन पे हो बेटा। तो वो आएंगे तो मैं पे कर दूंगा। ड्राइवर है आपकी, क्या पोजीशन ऐसी नहीं है हेलमेट लेने वाले की हैं यार? अपना जुबैर ये सामने से एक हेलमेट लेके आओ, इस बेटे को हेलमेट देना। अभी अभी जाके ना, तुम जाके ना, अभी जाके एक हेलमेट लेके आओ। पैसे मेरे से लो बेटा और ला के हेलमेट दो ये वाला। यार जल्दी से निकले यार, चले ला के हेलमेट अभी दो। अभी बिल्कुल सही है जी, आप बेटा हेलमेट लेके जाइए। हेलमेट लेके जाना बेटा यहाँ से भी, तुम्हें हेलमेट दे के भेजना। और पाबंदी है तुम्हारे पे, तुम्हारे पे पाबंदी है कि वो हेलमेट तुमने बाकायदा पहनना है। अपने आसपास के मोहल्लेदार को भी कहना है कि ये पाबंदी बनाए यहाँ बैठ के। और ये तो मेरे ख्याल एज तो पूरी है इनकी, 19 साल के। ये सूरत हाल है अशफाक साहब, ये तो दरियादिल हो गए आज। अजहर सदीक साहब बिल्कुल अपने पल्ले से खजाना खोल दिया अजहर सदीक साहब ने। पूरा लाहौर इनके घर पे ना आ जाए कि भाई जान हेलमेट ले दे। मैं अभी कहने लगा था कि जिस तरह इन्होंने अभी कहा कि ये एक हेलमेट ला दो, अभी इधर लाइनें लग जाएंगी तो फिर अजहर साहब को उन सबको भी बुरा करना होगा। ये देखिए दो चीज, अभी तो ट्रैफिक रूल्स पर सिर्फ 3% भी अब कह लें अमल दरामद हुआ है। बाद लोग इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस को भी लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करनी चाहिए। अगर वो चलान कर रहे हैं तो उनको फौरी तौर पर उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो होनी चाहिए। लोगों को फौरी चलान दे के असल कागजात उनको मिलने चाहिए, गाड़ियाँ मिलनी चाहिए, ताकि लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों, लोगों के लिए मुश्किलात ना हों। बहुत सारे लोग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं लेकिन लाइसेंस बनवाने में एजेंट माफिया CTO के दफ्तर के बाहर मौजूद है, उनको ख़त्म नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से जाली लाइसेंस बन रहे हैं ट्रैफिक पुलिस के। ये भी उनको सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि ट्रैफिक पुलिस के की मिली भगत के बगैर कोई जाली लाइसेंस बनवा रहा है। तो आप देखें ये सारी चीज़ें अभी ठीक होने वाली हैं, सिर्फ शहरियों का कसूर नहीं है। ट्रैफिक रूल्स पर अमल दरामद ना करवाने में ट्रैफिक वार्डन का और CTO का भी कसूर है कि उन्होंने बर वक्त अमल नहीं करवाया। आज जो यहाँ पर अमल दरामद हो रहा है ये अदालती हुक्म पर हो रहा है, ये CTO ने अपनी मर्जी से नहीं किया। लेकिन दूसरी बात ये है कि अगर आप किसी का चलान करें तो उसको बताएं कि यार ये सामने बैंक है, अभी जाएं जाके अपने कागज़ जमा करवाएं, आके फीस जमा करवाएं, आके ले लें कागज़। वाक साहब 5 बजे बैंक बंद हो जाते हैं, आपने बड़ा रेलिवेंट सवाल उठाया है। दूसरा जो सवाल इन्होंने उठाया बड़ी, लेकिन मैं देखिए मैं किसी की ये नहीं, मैं तारीफ और बदतरीफ ही नहीं, कम से कम मौजूदा जहाँ CTO ने जहाँ हाई कोर्ट में एक बदमजी की या हमारे दोस्तों के वाले से हो गई, लेकिन वो कंप्लायंस बहुत बेहतर कर रहे हैं, यहाँ मैं उनको क्रेडिट दूंगा। लेकिन साथ साथ जो लाइसेंस का मसला आ रहा है ना, देखिए लाइसेंस बहुत प्रॉब्लम है, जाली लाइसेंस है एजेंट दिखाई बड़ा। लेकिन लाहौर में तो कंप्यूटराइज है, लाहौर के बाद जो पंजाब में दीगर शहर में कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं है, वो कैसे चेक करेंगे आप? वहाँ भी कंप्यूटराइज सिस्टम होगा तो फिर ये चीज़ों को आपको बेहतर करना पड़ेगा। कंप्यूटराइज सिस्टम ही नहीं है और ना इनके साथ आपस में कोई लाइजॉन है, लिंक है, तो आप किस तरह चेक करेंगे कि मेरे पास लाइसेंस मेरा असल है नहीं है क्या नहीं है? ये बड़ी प्रैक्टिस की बात है और इस पर पूरा एक होमवर्क करना पड़ेगा। देखिए एक बड़ी रेलेवेंट बात उठाई है इन्होंने, हम देखिए एक काम तो आपको अंदाज़ा लगाएं, ये क्रेडिट देती हैं अकबर नासिर साहब को, सेफ सिटी वालों को, ई लेन के अपना ई चलान के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी ई लेन के यानी ई टैग के हवाले से पैसे सारे वहाँ जमा हो गए। 1.5 करोड़ रुपया बाकायदा टिकटों की मद में हुआ और ये जाली लाइसेंस जो बता रहे बड़ा वाजे है, लेकिन वजह यह कि हमारे यहाँ जरा कंप्यूटराइज सिस्टम की अवेयरनेस नहीं है। अभी यहाँ बड़े बड़े शहरों में यानी सेफ सिटी का प्रोजेक्ट बहुत आगे जा रहा है, ये लाइसेंस के हवाले से चीज़ें बहुत आगे जानी है, बहुत होने वाला है, यानी इसको नेगेटिविटी में नहीं देखना। कहा कि सिर्फ 5% ट्रैफिक रूल पर अमल दरामद हुआ है, 100% अमल दरामद नहीं हुआ। आपके तवस्से से उस बच्चे को बेटा आ जाओ, ये हेलमेट आपके लिए बेटा, ये अब हेलमेट तूने पहनना है, पहना दे। ये बाकायदा हेलमेट तूने अब पहन के रखना है, ऐसे नहीं। शुक्रिया, ठीक है? नहीं नहीं शुक्रिया कोई बात नहीं बेटा, शुक्रिया कोई बात नहीं जी। पूरा लाहौर अजहर सदीक साहब के घर के बाहर लाइन बनाए, हेलमेट नहीं है तो हम आपको दिलाएंगे हेलमेट, ये वाले भाईजान, बड़े भाईजान, हेलमेट वाले भाईजान। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये काम ट्रैफिक पुलिस को दीगर कंपनीज के साथ मिलकर करना चाहिए, कैंप लगाने चाहिए। जो लोग मुस्तहिक हैं यहाँ पर हेलमेट तकसीम किए जाने, सिर्फ 200-300 हेलमेट तकसीम करने से कुछ नहीं होगा। इतनी इतनी बड़ी कंपनीज हैं, अरबों रुपए कमाती हैं, तो ये अगर ₹1,00,000 मोटरसाइकिल के साथ 500 वाला हेलमेट दे देंगे तो कोई क्यामत नहीं आ जाएगी। बात कही ना, और ये माने ना माने ये आइडिया इसका है। ये आप चुपके बातें नहीं करना चाह रहा, ये आइडिया इसका है और बाकायदा नोटिस हो गया उसके ऊपर, और यही पाबंदी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में देखेंगे। हम गुज़श्ता नहीं कह रहे,
हम अपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस मियां साकिब निसार का, लाहौर हाई कोर्ट के जनाब जस्टिस अलीपुर कुरैशी साहब को सैल्यूट पेश करते हैं। ये एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट है, ये यानी एग्जीक्यूटिव ने कुछ नहीं किया। आज आप ये माल रोड मॉडल रोड देख रहे हैं आप, अब लाहौर में ट्रैफिक की कंप्लायंस देख रहे हैं, ई चालान देख रहे हैं, और जितनी ये कंप्लायंस हो रही है आपने फुटपाथ बना दिया। आप देखें ये फुटपाथ कभी नहीं बना, बहुत शुक्रिया। ये एनक्रोचमेंट सारी टूट गई थी। ये टाइम प्रोग्राम का खत्म हो गया और लाहौर हाई कोर्ट का बहुत बड़ा आज फैसला है अली अकबर कुरैशी साहब का, और इस फैसले के मुताबिक आपकी गाड़ियां रजिस्टर्ड ही नहीं हो सकती जब तक आपके पास लाइसेंस ना हो। फहद शहबाज खान को मार रोड से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।